मेरा नाम हुदा है, मैं अपनी खूबसूरती की वजह से हमेशा ही खास रही हूँ, मगर वो जो किसी ने कहा है कि अच्छी सूरत भी क्या चीज है, जिसने डाली निगाह गलत ही डाली। मैं हकीकत में खूबसूरती लेकर पैदा हुई थी, दौलत हमारे घर की बांधी थी, सब लोग मेरी गोरी और गुलाबी रंगत और सुनहरे बाल देखकर बेसाख्ता माशाल्लाह जरूर कहते। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, मेरे वालिद साहब का नाम राशिद था, मेरे एक चचा भी थे जिनका नाम हामिद था, उनके दो बेटे और एक बेटी थी। जितने दौलतमंद हम थे, चचा उतने ही गरीब मुफलिसी ने उनके घर में डेरा डाला हुआ था। ऊपर से तीन बच्चे और तीनों बच्चों की शक्ल पर ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने अस्तगफिरुल्लाह का लक डाल दी हो। उनके रंग बहुत ही काले थे, लड़के तो काले चल जाते हैं मगर काली कलौटी लड़कियां कोई उनको पूछता भी नहीं। ऊपर से जलन और हसद ने उस लड़की का चेहरा और बिगाड़ दिया था। अक्सर तीनों बहन भाई अल्लाह से शिकवा करते कि अल्लाह तूने हमें दौलत से महरूम रखा, अच्छे कपड़ों, अच्छा खाना, आराम था गाड़ी में घूमने से महरूम रखा और ऊपर से शक्ल और सूरत भी खूबसूरत नहीं बनाई। असद सबसे बड़ा था जिसकी उम्र 13 साल थी, दूसरा उमर था जिसकी उम्र 12 साल थी और कमल 10 साल की थी। कमल मेरी हम उम्र थी, मैं अपने वालिदैन शादी के 10 साल बाद पैदा हुई, ऊपर से हुस्न की दौलत से माला माल थी। चचा की फैमिली अक्सर हमारे घर आती रहती थी, अम्मी चचा जान की फैमिली का बड़ा ख्याल रखती थी। चचा जान और चची हर वक्त मेरी नजर उतारते रहते, गोद में उठाए रखते, चची जान मेरे नाज उठाने में हमेशा सबसे आगे रहती थी। चची मेरे रंग और रूप का मुकाबला अपनी बेटी से करती, अम्मी को चची जान की बात सुनकर बड़ा गुस्सा आता जिसका वो बर्मला इजहार भी करती, आप ही कैसी बातें करती है अपनी बेटी के लिए ऐसा कोई कहता है, कमल भी प्यारी बच्ची है, गोरा काला सब अल्लाह के रंग है, अल्लाह ताला को पसंद है इसलिए उसने बनाए हैं, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला किस्मत अच्छी करे। अम्मी की बात सुनकर वो कहती, अरे भाई जो खूबसूरत है उसे तो खूबसूरत ही कहूंगी, मेरी बेटी तो काली कलोटी है, काली के साथ साथ किस्मत भी बुरी लिखवा कर लाई है, कमल भी मेरी बेटी है, जितना मैं प्यार हुदा को दूंगी उतना ही कमल को भी दूंगी। अम्मी ये कहकर कमल को गले लगा लेती थी मगर चची हंस कर कहती, काला रंग तमाम खुशियों पर पानी फेर देता है, नहीं भाभी गोरा या काला नहीं, अच्छी सीरत ही जिंदगी बनाती है, ये रंग और ये रूप तो 4 दिन की कहानी है, तमाम उम्र तो लड़की अपने कर्मों का ही खाती है। ये बात सुनकर चची बोलती है, आप ऐसी बातें कर सकती हैं क्योंकि आपकी बेटी खूबसूरत है, मेरी गुड़िया, मेरी रानी, मेरी आंखों की ठंडक। मैं चची जान का इतना प्यार देख कर खुश हो जाती और खुद पर रश्क करती मगर कभी गरूर नहीं किया क्योंकि मेरी अम्मी ने मेरी अच्छी तरबियत की थी। दिन इसी तरह हंसी खुशी गुजर रहे थे, अचानक अम्मी अबू का एक्सीडेंट हो गया, अबू मौका पर ही दम तोड़ गए, अम्मी काफी जख्मी हो गई थी, डॉक्टर ने बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह से मुतासिर हुई है, शायद अब ये तमाम जिंदगी खड़ी ना हो सके। अम्मी की देखभाल, मेरी देखभाल, घर का सारा इंतजाम चचा और चची ने संभाल लिया था। ये खबर मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकती थी मगर मुझे जीना था अपनी माँ के लिए। मेरी माँ अपाहिज हो चुकी थी, बिस्तर से लग गई थी, हम बेयारों मददगार हो चुके थे। अबू की मौत के बाद मैं तो हिलकर रह गई थी, उनके आंसू रोती थी। ऐसे दर्दनाक मौका पर मेरी चची जान ने मुझे हाथों हाथ लिया और उनकी कोशिश थी कि मैं इस हादसे से जल्द निकल आऊं। इस मुश्किल घड़ी में चचा और चची ने मेरा भरपूर साथ दिया और यूं मैं दोबारा जिंदगी से नाता जुड़ने में कामयाब हो गई। चचा जान ने अब्बू के कारोबार की भाग दौड़ संभाल ली, अम्मी जान अपने देवर और देवरानी की शुक्र गुजार थी कि ऐसे मुश्किल हालात में अगर वो लोग ना होते तो हमारा क्या होता। फिर वक्त ने करवट ली और कई साल आगे से रख गए। चची के बच्चों की अच्छी रिहाइश, अच्छी खुराक और अच्छा लिबास भी उनके काले रंग को नहीं बदल सका। हाँ बस इतना हुआ कि कोई देखता तो उन्हें बस काबले सूरत ही कहता, मगर मैं उन हादसात से गुजरने के बावजूद भी रोज बरोज निखरती ही चली गई, जो मुझे देखता बस देखता ही रह जाता। एक रोज मुझे सवाल हल करने में कुछ मसला हो रहा था इसलिए मैं असद भाई से मदद लेने के लिए उनके कमरे में चली गई। जब मैं चची के कमरे के पास से गुजरी तो अपना नाम सुनकर चौंक गई और तजस्सुस से उनकी बात सुनने पर मजबूर हो गई। मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? चची की आवाज मेरे कानों में पड़ी। हुदा की तारीफ कर करके अब मैं तंग आ चुकी हूँ। उल्लू की पट्टी के नाम तमाम जायदाद है, अभी सिर्फ 15 साल की है, 3 साल अभी और उसको सहना होगा। जब ये जायदाद अपनी मर्जी से अपने चचा के नाम कर देगी तो मुझे सुकून आ जाएगा, मगर मम्मा तब तक मैं आपसे काली काली का गाना सुनती रहूंगी और वो हुस्न की परी बनी रहेगी। आपको पता नहीं जब कोई उसकी तारीफ करता है तो कैसे कैसे सांप लूटते हैं मेरे सीने पर। कंवल की आवाज थी जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में
सनसनाहट पैदा कर दी। अरे बेटा तू मेरी चंदा है, जरा सब्र कर ले, असद से हुदा के रिश्ते के लिए तुम्हारे बाबा और मैं सोच रहे हैं। घर की बेटी घर में ही आ जाएगी, फिर उसको तुम्हारी नौकरानी ना बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। बस जहाँ इतना इंतजार किया है वहाँ थोड़ा सब्र और मेरी जान। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब मुझे सारी जिंदगी उस हसीन चुड़ैल को झेलना होगा। नहीं अम्मी ऐसा ना करें, कुछ ऐसा करें कि वो हमारी नजरों से दूर हो जाए। कमल जहर उगल रही थी, बेटा समझ क्यों नहीं रही हो, जब तक उसकी माँ जिंदा है हम हुदा को कुछ नहीं कर सकते, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो औरत अपाहिज होते हुए भी अभी तक नहीं मरी, शोहर के गम में ही मर जाती, पता नहीं कब तक इंतजार करवाएगी बुढ़िया। इतनी जहर भरी बातें सुनकर मेरा सांस यकदम घुटने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं, वो भी सिर्फ इस वजह से कि मैं दौलतमंद हूँ, खूबसूरत हूँ। चट्टी जान, इससे पहले कि मैं अपनी माँ को इन बातों का राजदार बनाती, एक हादसे ने मुझसे मेरा सब कुछ लूट लिया। अभी मैं नहाकर कमरे में आई थी, आज मैंने गुलाबी लिबास पहन रखा था, मैं अपने लंबे बाल सुखा रही थी कि चचा जान कमरे में दाखिल हुए। मेरी बेटी क्या कर रही है? अरे नहाकर आई है। मैं चचा जान को देखकर पहले हैरान हुई, फिर उनकी मीठी बातों पर मुझे अपने बाबा जानी याद आ गए, वो भी मुझे प्यार से बेटी ही कहते थे। फिर मुझे ख्याल आया कि चचा को क्या पता कि चची जान और कमल उनके दिल में मेरे लिए कितनी नफरत है। दिल चाहा उन्हें सब कुछ बता दूं, लेकिन अनदेखी कुव्वत ने मुझे खामोश करवा दिया। मेरे दिल में आया कि उनको कुछ नहीं बताऊं, इसलिए मैं उनसे कुछ नहीं कह पाई। हुदा बेटी तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं, उन्हें कैसे सुलझाती हो? आओ मेरे पास बैठो। चचा ने मोहब्बत से मुझे अपने पास बिठा लिया। तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत हो, ये खूबसूरती तुमने कहाँ से हासिल की है? तुम्हें मैं जब से चाहता हूँ, जब तुम 13 साल की हुई थी, तुम्हें प्यार करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। तुम्हारे गोरे गोरे हाथ थाम कर मुझे बहुत मजा आता था। मेरे जहन में चचा के रूप में मेरे बाबा थे, इसलिए मुझे उनकी बातें सुनकर अच्छा लग रहा था। चची जान की बातों से मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरा दिल टूट गया। अपना दिल पहले ही असद को मैं दे चुकी थी। मेरे नजदीक तो खूबसूरती की कोई अहमियत ही नहीं थी, मैं तो खुद बखुद इस दौलत जायदाद को चचा के नाम कर देना चाहती थी। उनको मैंने अपना वालिद समझा, मैंने अपनी अम्मी से बात भी कर ली थी, मगर बस मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही थी। मगर उन्होंने मेरी आंखें खोल दी कि मैं जो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली थी, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने मेरे सामने एतबार की दीवार के पीछे का असल रूप जाहिर कर दिया। ये सब मेरे माँ बाप की नेकियां ही थी। मैं इस बात पर खुश हो रही थी कि चलो मेरे मरहूम वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है तो उनकी जगह मेरे चचा मेरे वालिद साहब हैं। बेटी समझ कर प्यार कर रहे हैं, मेरी चची मेरी दुश्मन सही पर ये तो मेरे हैं, मैं इनका खून हूँ। पर मुझे क्या पता था वो किस नीयत से मुझे छू रहे हैं, किस नीयत से मुझे प्यार करना चाहते हैं और किस नीयत से बचपन से लेकर अब तक मुझे वो प्यार करते रहे हैं। अचानक चचा जान ने मेरी कमर के गिर्द अपना बाजू डाल दिया और उनके हाथों की गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी। उन्होंने मुझे सख्ती से जकड़ लिया। अब मुझे होश आ गया कि ये मोहब्बत और शफकत नहीं बल्कि हवस है, दरिंदगी है। और मेरे सगे चचा क्या करना चाह रहे हैं मुझसे? चचा आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे मुंह पर रुमाल बांधकर उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया और मुझसे कहा, खामोश, एक लफ्ज नहीं कहना। बचपन से लेकर अब तक तुम्हारी खूबसूरती को देखता आ रहा हूँ। पहले तो तुम्हारे माँ बाप थे, अब बाप मर गया, लेकिन तुम्हारी माँ अपाहिज है। अब ये मौका मेरे हाथ में आ गया, कुछ नहीं कर सकती तुम तो, इसलिए सोचा क्यों ना तुम्हारे जिस्म से मजे लिए जाए। उन्होंने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। मुझे लूटने के बाद बोले, अब तुम अपनी जुबान बंद रखना, इस बंद कमरे की बात बाहर ना जाए तो बेहतरी इसी में है। खामोश रहना, अगर किसी को कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। तेरी हसीन सूरत से मुझे नफरत है जो मेरी बेटी को पीछे छोड़ गई। अब तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, तेरी खूबसूरती ही तेरी बर्बादी है। मैं हैरानगी से सब बातें सुन रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बर्बादी का मातम करूं तो अब किस तरह मैं अपनी ये जिंदा लाश को जिंदगी के ताबूत में दोबारा लेकर जाऊंगी। मुझ पर क्या बीती, किसी को क्या बताती? अपनी अपाहिज माँ को जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, वो मेरी हिफाजत कैसे करती? जिसको बाप समझा वो लुटेरा निकला और मेरी इज्जत का जनाजा निकाल कर वो बड़े रौब से पूरे घर में घूमता था, हुक्म चलाता था। और जब मैं उसे देखती तो वो मुझसे कहता, खामोश, अगर कुछ कहा तो बदनामी तेरी होगी। यहाँ तेरा कोई नहीं है, कौन आएगा तुझे बचाने? ना तेरा भाई है, तेरा बाप मर चुका है। खबरदार, अगर तूने किसी को ये बात बताई, मैं खामोश होकर वहाँ से चली जाती और मेरी इज्जत का जनाजा निकाल कर वो मेरे घर में मजे से घूमता था। जब मैं उसे देखती तो वो मुझे खामोश करवा देता इशारे से, अगर किसी को बताया कुछ तो तेरी खैर नहीं, तेरी इज्जत का जनाजा मैंने कमरे में निकाला है, लेकिन मुआशरे में तुझे बदनाम कर दूंगा कि तू आवारा है। आवारा लड़कों के साथ तूने अपनी इज्जत खराब कर दी। मैं खामोश हो जाती क्योंकि मुझे अपनी इज्जत प्यारी थी, अभी मुझे सब्र करना था। इधर कमल की मुझसे नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आखिर उसकी नफरत इतनी बढ़ गई कि उसने मेरा चेहरा
जलाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इस काम में एक मुश्किल थी, अगर किसी को खबर हो जाती कि मुझ पर तेजाब फेंका गया है तो पुलिस उन सब का जीना हराम कर देती। आखिर उसने सोच लिया कि वो मुझ पर खोलता हुआ पानी फेंक कर मेरा चेहरा जलाएगी। अब बस मौका की तलाश में थी, आखिर उसे मौका मिल ही गया। मैं नमाज पढ़ने खड़ी हुई तो कवल ने खोलता हुआ बहुत गर्म पानी मुझ पर फेंक दिया। उस वक्त मैं रुकू में गई थी, उस जालिम ने उसी वक्त पानी फेंका जिससे मेरा पेट पाऊं और सर जल गया। मैं बेसाख्ता चीख पड़ी। मेरी चीख सुनकर चचा और चची आकर देखने लगे कि मेरा पेट और पाऊं पूरी तरह से जले हुए हैं। दर्द से चिल्ला रही थी, मेरी दर्दनाक चीखों से पूरा घर गूंज रहा था और कमल खोलते पानी की बाल्टी लिए खड़ी थी। उससे पहले के घर के नौकर ये मंजर देखते चचा ने पानी की बाल्टी एक तरफ रखी और मुझे उठाकर बाथरूम में फेंक दिया और फिर वो दोनों बाहर खड़े होकर चीखने लगे, खुदा दरवाजा खोलो, क्या हुआ है, क्यों चीख रही हो, क्या हुआ बेटा, दरवाजा खोलो। चची मगरमच्छ की आंसू बहाती चली जा रही थी। हाय मेरी बच्ची, हाय मेरी प्यारी खूबसूरत बच्ची, क्या हो गया इसको। इतने में चचा आगे बढ़े और बोले, तुम पीछे हटो। अरे भाई पीछे हटो, मैं दरवाजा तोड़ देता हूँ, ना जाने मेरी बच्ची को क्या हो गया है, क्यों चीख रही है। जब तक घर के नौकर कमरे तक आ चुके थे चचा ने दरवाजा तोड़ने की अदाकारी करते हुए जोर से लात मारी, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही चची जान चिल्लाकर बोली, हामिद आप सब बाहर खड़े रहे, मैं और कवल अंदर जाकर देखते हैं, पता नहीं हुदा बाथरूम में किस हालत में है। वो दोनों बाथरूम में दाखिल हुए और वहीं से जोर जोर से चीखने लगे, हामिद साहब जल्दी से अस्पताल जाने की तैयारी करें, हमारी गुड़िया जल गई है। मुझे एक हफ्ते बाद होश आया था, मेरी कमर और पेट बुरी तरह से जल गए थे, झुलस गए थे, खाल उधड़ गई थी, खून बहता था मेरे जिस्म से। अस्पताल में मेरा इलाज शुरू हुआ तो इलाज के दौरान एक नया इंकशाफ सामने आया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर सब मुझे बुरा भला कहने लगे और सब में ये मशहूर कर दिया गया कि इसी गुनाह की वजह से मैं खुद को जला रही थी। कमबख्त हसीन तो थी ही मगर बद किरदार भी निकली, सब मुझ पर थू थू करने लगे थे, मगर किसी को क्या पता था कि मेरे पेट में किसका बच्चा है। जब अम्मी को पता चला कि मैं कवारी माँ बनने वाली हूँ और इस वजह से मैंने अपने आप को जलाने की कोशिश की तो इस गम में उनका इंतकाल हो गया। मेरी माँ मेरी दुनिया वीरान करके बहुत दूर चली गई, अब मैं तन्हा रह गई थी। लोगों की नफरत भरी निगाहें सहने के लिए अभी मैं सिर्फ 16 साल की थी, मगर बदनामी मैंने इतनी कमा ली थी कि अस्पताल में हर कोई मुझको नफरत की निगाह से देखता था। ऊपर से चचा ने डॉक्टर पर जोर देना शुरू कर दिया कि कुछ ऐसा करे कि मेरी कोख में पल रहे बच्चे से मेरी जान छूट जाए, आप जितना पैसा मांगेंगे मैं दूंगा। चचा जानते थे कि ये बच्चा किसका है, अब वो किसी भी कीमत में इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहते थे। आखिर हामिद साहब का पैसा जीत गया और हामिद साहब का गुनाह मेरी कोख में ही खत्म कर दिया गया। माँ के बाद मेरी जिंदगी को चची ने कमरे में कैद कर दिया, मैंने अपने कमरे से निकलना बंद कर दिया, बहुत जरूरत के वक्त ही मैं बाहर निकलती वरना नहीं। महीनों से मैं एक ही कमरे में जिंदगी बसर कर रही थी, बाहर क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं होता था, ना ही कोई मुझे कुछ बताता था। किसी ने आकर ये तक नहीं पूछा तुम कमरे से बाहर क्यों नहीं आती हो, खाने का भी कोई नहीं पूछता था। वक्त पर लगाकर उठता रहा, मैंने अल्लाह ताला से लो लगा ली थी, वो जो सबके हाल से वाकिफ और मुख्तार कुल है। कल तक दौलत जिसके घर की बांदी थी आज वो यतीम बनकर अपने ही घर में कैद थी, आज वही बांदी बन गई थी। हामिद साहब ने ऑफिस के एक काबिल लड़के को दौलत का लालच देकर कमल से शादी करने पर राजी कर लिया। असद पढ़ाई करने लंदन चला गया था और दौलत को हर मर्ज की दवा समझने वालों को दौलत ने ही बिगाड़ दिया था। उम्र गलत काम जुआ शराबी का आदि होकर दौलत को हाथों हाथ लूट रहा था। चचा और चची को सिर्फ उम्र का ही थोड़ा गम था कि वो बिगड़ गया है, वरना वो खुशियाँ खूब कश कर रहे थे, छीनी हुई दौलत के कितने मजे उड़ा रहे थे। किसी को बर्बाद करके क्या कोई खुश रह सकता है, पर वो अपनी खुशियों में खुश थे। हाँ हम दूसरे ही थे, अपने होते तो क्या वो ऐसा करते, वो दूसरों के गम की क्या परवाह करते। अल्लाह ताला जालिम की रस्सी दराज जरूर करता है मगर जब पकड़ता है तो फिर उसकी चीख निकल जाती है। एक दिन चचा के साथ भी वही हुआ, वो सोए हुए थे, दूसरे दिन उनसे उठा ही नहीं जा रहा था। पता चला कि उनको फालिज का अटैक हुआ है, उनका आधा जिस्म बिल्कुल बेजान हो गया था, पैसा पानी की तरह बहाया गया, मगर वो ठीक नहीं हुए, बल्कि पता चला कि उनके दिल के तीनों वॉल्स भी बंद हो गए हैं। इसी गम में चची को शुगर और हाई ब्लड प्रेशर हो गया और लेने के देने पड़ गए। लोगों को हाई ब्लड प्रेशर भी होता है और शुगर भी, लेकिन वो सालों साल जीते हैं, मगर उनकी ये बीमारी इतनी खतरनाक हो गई कि उनके जिस्म में पानी भरना शुरू हो गया, फिर वो पानी फोड़ा बनकर फट जाता और वहाँ जख्म बन जाता। और दूसरा गम उनको ये लगा कि उनके लाडले उमर को किसी ने गोली मार दी, जवान बेटे की मौत ने उन दोनों को तोड़ कर रख दिया, कचरे के ढेर में पड़ा हुआ मिला था नशे की हालत में। फिर सुनने पर सुनना ये हुआ कि कमल के शोहर ने कमल को तलाक दे दी, अपनी 4 साल बेटी को लेकर
कमल रोती पीटती घर आ गई। उसकी बच्ची भी अपनी माँ की तरह काली स्याह थी, मगर कमल अब खुद माँ थी। चची अपनी बेटी के इन हादसात को बर्दाश्त करते और बीमारी से लड़ते हुए एक दिन चची जान इस दुनिया से चली गई। उनकी बहुत बुरी मौत हुई थी, वो माफी तक न मांग सकी। अब चचा बिस्तर पर मौत के मुंतजिर मौत से बदतर जिंदगी गुजार रहे थे। उनके जिस्म पर कीड़े पड़ जाते थे और जिस्म से अजीब नागवार बू आती थी। वो सबसे कहते कि अल्लाह के लिए मेरी मौत की दुआ करो, मुझसे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। कमल ने अपने बड़े भाई असद को फोन किया और यहाँ के हालात बताकर घर आने की ताकीद की। अब कमल अकेली बाप और बेटी दोनों की देखभाल कर रही थी, मगर किसी ने मेरे कमरे में झांक कर नहीं देखा कि मैं कैसी हूँ, जिंदा भी हूँ या मर गई। मैंने पहले ही सबसे नाता ताल्लुक तोड़कर कमरे में बसेरा कर लिया था। कोई मुलाजमा आती, खाना पानी देती और चली जाती। एक दिन शोरगुल ने मुझे बाहर झांकने पर मजबूर कर दिया। आखिर वजह क्या है, कमल क्यों चीख रही है, ये घर में कैसा शोर है, ये कैसा हंगामा है? चचा ने बिस्तर पर लेटे लेटे अपने मुलाजिम से पूछा, क्या बात है, कमल क्यों आसमान सर पर उठा रही है? उन्हें मुलाजिम से पता चला कि कमल की 6 साल बेटी की माली के बेटे ने इज्जत लूट ली है और वो बच्ची को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। माली का वो बेटा भाग चुका है। ये सुनते ही हामिद साहब की आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि उन्होंने भी एक मासूम बच्ची के साथ यही कुछ किया था। फिर खबर आई कि कमल की बच्ची मर गई है और कमल इसी गम में पागल हो गई। असद जब घर वापस आया तो ये सब हालात देखकर हैरान रह गया। अब कमल बिल्कुल पागल हो चुकी थी। कभी वो ब्लेड से अपने आप को जख्मी करती, कभी छुरी से और कैंची से अपने सर के तमाम बाल काट लेती। चचा तो खुद तकलीफ में थे, ऊपर से कमल का गम, मगर उन्हें मौत नहीं आती थी। एक दिन असद ने माली से पूछा कि हुदा कहाँ है। मुलाजिम ने उसे बताया कि हुदा तो अपने कमरे में होती है, कुछ भी हो जाए वो कमरे से बाहर नहीं आती। सालों गुजर गए, उनको किसी ने नहीं देखा। हाँ, एक मुलाजमा है आयशा, वही सिर्फ उनके कमरे में आती जाती है, खाना लेकर जाती है, वो खुद बाहर कभी नहीं आती। जो कुछ भी हुआ घर में उनको इसकी कोई खबर नहीं, ना कोई परवाह। असद ये सब सुनकर गुस्से में पागल हो गया और वो कमरे में चला आया। लेकिन ये क्या, उफ, ये कौन सी परी है जो हूरों जैसा पाकीजा चेहरा लिए कुरान की तिलावत कर रही है? ऐसा लग रहा था जैसे नूर ने इसके चेहरे पर ऐसा गुल खिलाया हो कि निगाह बेसाख्ता अकीदा से झुक गई। तो वो बोला, हुदा ये सब क्या है, इस घर में इतना कुछ हो गया है मगर तुम इस कमरे से बाहर नहीं आई। क्या क्या कयामत गुजर गई इस घर पर, तुम्हारे अपनों पर, मगर तुम आराम से इस कमरे में पड़ी रही। तुम्हें अम्मी की मौत का गम नहीं, उम्र का गम नहीं, कमल के उजड़ने का गम नहीं, मेरे अब्बू के तड़प तड़प का जीने का गम नहीं, कमल की बेटी मर गई, क्या तुम्हें इस बात का भी गम नहीं? कमल की बेटी का सुनकर मैंने बेसाख्ता कहा, ये सब कब हुआ, कब हुआ? सच्ची मुझे नहीं पता। ये कहते हुए मेरा रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मेरे इस तरह से रोने पर असद हैरान हो गया। फिर मैं दोबारा बोली, कमल की बच्ची मर गई और मैं आज तक जिंदा हूँ, मुझसे ज्यादा बेशरम और कोई नहीं। अब असद को सारी बात समझ आ गई। वो मुझसे पूछ रहा था, हुदा तुम सिर्फ ये बता दो कि तुम्हारी इज्जत किसने खराब की है? मुझे तो बदनाम किया गया, मैंने किसी लड़के के साथ नाजायज ताल्लुक रखे और बच्चे की माँ बन गई, मगर मैं तुमसे सच कहना चाहती हूँ। हाँ कहो, मुझे लगता है कि तुम कहोगी तो सच ही कहोगी। मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, जब मुझे पता चला कि तुम ऐसी हो तो तुमसे दूर चला गया, मगर तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम पाकीजा हो, तुम पाक हो, तुम्हें किसी ने अपनी हवस का निशाना बनाया है। प्लीज देखो, ये कुरान रखा हुआ है, तुम इसको पढ़ती हो, तुम्हें इसकी कसम सच बताओ। असद तुम सुन सकोगे तो मैं तुमको सच बताने का हौसला पैदा करती हूँ। हाँ बताओ मुझे कौन है वो जालिम, तो चलो चचा के पास, वहाँ क्यों, चलो तो सही, वहीं जाकर तुम्हें सब बताती हूँ। चचा इतने सालों के बाद मुझे अपने रूबरू पाकर हैरान रह गए और मुझे देखकर अपने दोनों हाथ जोड़ने लगे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। असद ने पूछा, अबा हुदा से माफी क्यों मांग रहे हैं? असद, चचा से क्यों पूछ रहे हो, मैं बताती हूँ। खुदाया तुम ही बता दो कि कौन सी पहेली है जो तुम नहीं खोल रही हो राज, मुझे बताओ, मैं पागल हो जाऊंगा। मेरी इज्जत तुम्हारे बाप ने लूटी है, मेरी इज्जत मेरे चचा ने लूटी है, मेरे पेट में जिसका बच्चा था वो तुम्हारे बाप का था, और कमल ने किस तरह खोलता हुआ पानी मुझ पर डाला था वो सब मैंने उसको बता दिया। ये भी सुन लो कि मैं खुद नहीं जली थी, तुम्हारी बहन ने मुझ पर खोलता हुआ पानी डाला था। कमल ने किस तरह खोलता हुआ पानी डालकर मुझे जलाया था। मैं ठीक तो हो गई मगर पीछे सर में बाल आज तक नहीं आए। बदनामी जिल्लत से बचने के लिए मैंने कमरे में पनाह ली। असद मेरा हाथ थामकर कमरे के पास ले आया, मगर मैं होश में कपती अजीब अजीब वहशत टपक रही थी। उसके सर पे, उसके चेहरे पर जगह जगह से जख्म और सर के बाल कटे हुए थे। मैं उसका ऐसा हशर देख कर हैरान रह गई। कमल मुझे देख कर पागलपन में भी पहचान गई और बेसाख्ता बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकती, कभी नहीं। ये कहती हुई वो भागने लगी। सीढ़ियाँ चढ़ती हुई तीसरी मंजिल पर पहुँच गई। सबने कोशिश की कि वो बच जाए, मगर उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। कमल की मौत और बेटे के सामने रुसवाई, उसी पल चचा का दम भी निकल गया। ये थी
की मेरी कहानी, आज मैं असद के साथ एक भरपूर जिंदगी गुजार रही हूँ। जालिम अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं। असद रंग का काला जरूर है लेकिन मन का उजला है। हीरे जैसे दिल वाला असद मेरी तमाम महरूमियों पर अपनी मोहब्बत रखता रहा। मेरी मोहब्बत को उसने अपने लिए बहुत बड़ा इनाम समझा और उसने मुझे मोहब्बत दी। अल्लाह मेरे शोहर पर कभी किसी काले दिल वाले का साया ना पड़ने दे। मैंने किसी को कोई बददुआ नहीं दी, वो खुद अपने अंजाम को पहुंचे हैं। मैंने किसी के लिए कभी कुछ भी नहीं कहा, मैं तो खामोश थी, बस वक्त का इंतजार कर रही थी और कुदरत ने मेरा इम्तहान ले लिया। ये थी नाजरीन हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं हमारी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मजीद इस तरह की कहानियों का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।